हमारे भाई साहब ने भी गला फाड़ फाड़ के एक बात कही है कि मेरी माताओं और बहनों से कि जो पेट में जो बेटियां मरवाते हैं ये कोई अच्छा काम नहीं है। मेरे भाई ने हर बार यही बात कही है क्योंकि बेटियां हैं तो हम हैं, अगर बेटी नहीं तो ये संसार नहीं, ये संसार खत्म हो जाएगा एक दिन अगर ये ऐसे चलता रहा। तो भक्तों, जब एक नारी मेडिकल में जाती है अपनी जांच कराने के लिए तो उसके पेट में बच्ची होती है, बेटी होती है। डॉक्टर कहता है कि बहन आपके पेट में बेटी है, बेटा नहीं। वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेशन करवाना है। भक्तों, इतनी बात सुनते ही डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और जो बेटी का शव था वो एक थैली में डाल करके एक कूड़े में फेंक दिया। भक्तों, एक कूड़े में फेंक देते हैं और आपके भाई संजय सिंह महाराज का हाथ जोड़ के आपसे एक ही निवेदन है, एक ही अभिनंदन है। और वो निवेदन क्या है मैं ये भजन गा करके आपको सुनाऊंगा। उस निवेदन पर, उस भजन पर आपने गौर करना है। अगर गौर करोगे तो भजन काम का है, अगर गौर नहीं करोगे तो वो भजन कोई काम का नहीं है। तो सुनिए बड़े प्रेम से, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे भाई साहब के लिए, रविंद्र पुनिया जी के लिए। देखिए इस भाई साहब की ये महानता है कि अपना कीमती समय निकाल करके अपने लाखों के नींद व्यर्थ करके हमारे लिए यहां आते हैं। YouTube के जरिए हर देश में आप लोगों का प्यार जोतराम जी भगवान का स्नेह ये पहुंचाते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जोड़ की कहरा से संजय सिंह मार हो छोड़ दो करना बेटियां पे अत्याचार हो। हाथ जोड़ के कहरा से संजय सिंह मार लगो उस डॉक्टर के जो बैठा रिश्वत खावे से बेटा से या बेटी से जो करके जनन गावे से। आग लगो उस डॉक्टर के जो बैठा रिश्वत खावे से बेटा से या बेटी से जो करके जांच बतावे से। पता लगे जब बेटी से तो पेट में मार गिरावे से, पता लगे जब बेटी से तो पेट में मार गिरावे से। काल के थैली में फेंके, काल के थैली में फेंके कूड़े में वार हो। छोड़ तो करना बेटियां पे
बन की बैरी है, ओ बैरी बन की माँ, ओ देखता है वो कुत्ता अपने दांत से खोलता है तो क्या होता है भक्तों? वो एक कुत्ते ने देखी पोटली, आया भाग्या भाग्या हो, कैसी पोटली से पंजे ने मार के टोवने लाग्या हो। एक कुत्ते ने देखी पोटली, आया भाग्या भाग्या हो, कैसे पोटली में पंजे वो मार के टोवन लाग्या हो। एक बेटी का रूप देख के कुत्ता रोवन लाग्या हो, एक बेटी का रूप देख के कुत्ता रोवन लाग्या हो। तो भक्तों वो कुत्ता कहता है कि अरे इंसानों कितने निर्दयी हो तुम, अरे तुमसे तो अच्छे हम हैं, इंसानों से तो अच्छा, इंसानों से तो अच्छा हमारा परिवार हो। छोड़ तो करना बेटियां पे अत्याचार हो, हाथ जोड़ के से ज्यादा गुना दिमागदार और ईमानदार होते हैं। उसी पोटली को एक गौ माता देख लेती है और एक गौ माता के पैरों के बीच में खड़ा उसका एक बछड़ा, उस हालत को देख के, उस दृश्य को देख के वो बछड़ा गांव के पांव में लपट जाता है। तो ऐसा ये दृश्य देख करके गांव भी रो पड़ती है, वो बछड़ा भी रो पड़ता है। गौ माता ने देखी पोटली, आया आंख में पानी रे, गौ माता ने देखी पोटली, आया आंख में पानी रे, डर के बाछड़ी लिपट गई वहां देख के जुलम कहानी रे, लपट बाछड़ी लिपट गई वहां देख के जुलम कहानी रे। जो भी देखे टप टप रोवे में जीव पराणी रे, जो भी देखे टप टप रोवे जग में जीव पराणी रे, ऐसा रहा तो खत्म होवे, ऐसा रहा तो खत्म होवे एक दिन संसार हो। छोड़ तो करना बे Thank you.
और मैं तो कहता हूं भक्तों, ऐसा जुर्म करने वालों के तन में कोट लगेगा और उसका कोई इलाज नहीं होगा। चाहे धन के भंडार पड़े हों उसके घर पे, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं होगा। उस बेटी की आत्मा रोती हुई, बिलखती हुई कहती है, वो दिल का टुकड़ा कटवा दे से तैयार है मना मन में हो, ऐसे कर्म कमावनिया के कोड़ लाग जा तन में हो, नहीं दवाई काम करे वो छिड़के मर जा धन में हो, नहीं दवाई काम करे वो छिड़के मर जा धन में हो, बिलख बिलख के रोए बेटी, बिलख बिलख के रोए बेटी करे पुकार हो, अगर ये भजन सुना है तो इस भजन पे गौर करना है, इस बात पे अमल करना है इस भजन पे। हमारे भाई ने भी बार बार यही बात दोहराई है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस भाई ने भी और मान सम्मान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भाई साहब दैया जी ने ये बात दोहराई है, भाई रविंद्र ये बात कटनी नहीं चाहिए। हमारे बड़े भाई ने भी ये बात दो बार अपना गला फाड़ फाड़ के दुनिया के सामने अपना सीना खोल के दिखा दिया कि दुनिया वालों, अगर बेटी इस जहान में है तो हम हैं, अगर बेटी नहीं तो हम भी नहीं। भक्तों चलता वही से है। कहते हैं लोग, कहते हैं कि बेटे जो होते हैं वो देवता बनते हैं, लेकिन भक्तों इस बात को मत भूलिए कि पूजी तो लड़की भी जाती है। नवरात्रों में लड़की की पूजा होती है, नौनों देवियां पूजी जाती हैं। भक्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि बेटा ही पूजा जाए, नहीं, लड़की पहले पूजी जाती है क्योंकि लड़की माँ होती है। तो भक्तों माँ की दुश्मन माँ मत बनिए, ये माँ की दुश्मन माँ कहलाएगा। अगर ये हाल हुआ तो एक दिन माँ की दुश्मन माँ कहलाएगा। भक्तों सभी से हाथ जोड़ के मेरा संजय सिंहार का और मेरे बड़े भाई साहब जगबीर दैया जी का यही कहना है कि भक्तों इस बात पर अमल कीजिए, अगर बेटी सुरक्षित है तो ये संसार सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद।